सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट टिप्स। गाइस, ये आईफोन यूजर्स के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है, क्योंकि आईफोन में बग पाया गया है जिसके थ्रू कोई भी हैकर आपके आईफोन्स को हैक कर सकता है और आपके डेटा को चुरा के लीक कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि यह बग आखिर किस चीज़ में पाया गया। सो गाइस, आपने नोटिस किया होगा कि जब हम कोई भी थर्ड एप्लीकेशन अपने आईफोन में यूज़ करते हैं, जब उसे हम साइन इन करते हैं, सो गाइस वहाँ पर लिखा होता है साइन इन विथ एप्पल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उस ऐप को एप्पल के साथ साइन इन कर लेते हैं, फिर हमारा ऐप उसके थ्रू रन करता है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इसी में वो बग पाया गया है जिसकी वजह से कोई भी हैकर आपके आईफोन को हैक कर सकता है। और जो ये बग ढूंढ के निकाला है वे एक इंडियन है और उनका नाम भावुक जैन है। जब ये बात एप्पल को पता चला तो एप्पल ने इस बात की पुष्टि की और एप्पल ने भी बताया कि ये बग सच में एग्जिस्ट करता था जिसके थ्रू कोई भी हैकर आपके फ़ोन को आसानी से हैक कर सकता था। लेकिन घबराने वाली बात कोई नहीं है, इसकी वजह से अभी तक कोई भी फ़ोन हैक नहीं हुआ है, ये बात एप्पल ने खुद कहा है। सो के लिए इन्हें इसी चीज के लिए एप्पल कंपनी ने $1,00,000 का इनाम दिया है, यानी अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो लगभग 75,50,000 इन्हें इनाम के तौर पर एप्पल की सिक्योरिटी बाउंड टीम ने इन्हें इनाम में दिया है, जिसके वजह से जो ये बग है इसे फिक्स किया गया है। सो गाइस, इसलिए एप्पल ने 13.5.1 को लॉन्च किया है और इसमें साफ साफ लिखा है कि जो अपडेट है ये रिगार्डिंग सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए, सो बेसिकली आप इसे अपडेट करें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि इस सॉफ्टवेयर को अपडेट कैसे करते हैं। तो चलिए उसके लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो गाइस, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, फिर यहाँ पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे आपको जर्नल में चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई देता होगा सॉफ्टवेयर अपडेट, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे थोड़ी देर के बाद आपको आपका अपडेट दिखा देगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे iOS 13.5.1 आ चुका है और मेरे में MB 44.6 MB का दिया हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अपडेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सिक्योरिटी के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि जो अपडेट इन्होंने निकाला है ये खासकर सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए निकाला है। सो आप अपने आईफोन को वाईफाई से जैसे कनेक्ट करोगे आपका जो यहाँ पे डाउनलोड और इंस्टॉल लिखा हुआ है वो विजिबल होने लगेगा और यहाँ पे आपको क्लिक करके डाउनलोड उसे इंस्टॉल कर देना है। इस तरीके से आप अपने आईफोन में iOS 13.5.1 को इंस्टॉल कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे टिप्स के वीडियो जानने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे टिप्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ ऑल। जय हिंद।